गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर नंबर 3 ट्रू फ्रेंड्स. सो चिल्ड्रन काइंडली टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक्स एंड ओपन पेज 28. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. So in this exercise we have to find out which nouns are countable and which nouns are uncountable from the box which is given, that is the green box. So children, what you have to do in this exercise, I am going to read out the question. Identify the countable and uncountable nouns from the box and complete the given table by writing them under the correct categories. Okay, so in the green box nouns are given, different kinds of nouns are given, and you have to separate it and write it under countable and uncountable nouns. Beta, bahut sare nouns diye hue hain yahan pe, countable and uncountable. सो आपको इस टेबल में क्या करना है, उसमें से छांट के सेपरेट करना है काउंटेबल नाउंस कौन से हैं एंड अनकाउंटेबल नाउंस कौन से हैं. करेक्ट. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर काउंटेबल नाउंस एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउंस. करेक्ट. सो बेटा काउंटेबल नाउंस क्या होते हैं? काउंटेबल नाउंस आर दोज नाउंस विच वी कैन काउंट, विच वी कैन काउंट इन नंबर. यानी काउंटेबल नाउंस ऐसे नाउंस होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, यानी नंबर्स में गिन सकते हैं. ठीक. और अनकाउंटेबल नाउंस कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउंस आर दोज नाउंस विच वी कैनॉट काउंट इन नंबर्स. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउंस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कैन काउंट गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स. वी कैन से ना, देर आर 12 girls in our class, there are 35 girls in our class, there are 20 boys in our class. So we can count each number of girls and boys. Okay, let's take another example of countable nouns. For example, desk and benches. You can count desk and benches in your classroom, right? So these are countable nouns. These were the examples of countable nouns. Okay. अब हम अनकाउंटेबल नाउंस के एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, तेल. कैन यू काउंट ऑयल? नो, यू कैनॉट काउंट ऑयल. व्हाई यू कैनॉट काउंट ऑयल? यू कैनॉट काउंट ऑयल इन नंबर्स. आप ऑयल को मेजर कर सकते हैं, राइट? आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर ऑयल, राइट? सो सच टाइप ऑफ नाउंस आर अनकाउंटेबल नाउंस. ओके. So what we are going to do now, I am going to read out one by one each noun and you have to separate it and write it in the following table. Okay, so main start karti hu padhna and I'll explain you also each noun. Okay, so the first noun is sandwiches. So sandwiches, you have to think whether we can count sandwiches or not. क्या हम सैंडविचेस को काउंट कर सकते हैं? सो द आंसर विल बी येस. हाउ? वी कैन काउंट 2 सैंडविचेस. मम्मा आस्क ना, हाउ मेनी सैंडविचेस वुड यू लाइक टू ईट बेटा? सो यू से, मम्मा आई विल ईट 2 सैंडविचेस. सो यू कैन काउंट सैंडविचेस, राइट? सो चिल्ड्रेन, राइट सैंडविचेस इन द अंडर काउंटेबल नाउंस इन द टेबल. ओके. द नेक्स्ट वन इज ट्रूथ. सो बेटा ट्रूथ माने सच. क्या हम सच को गिन सकते हैं? नहीं. एक सच, दो सच ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, हम नहीं गिन सकते सच को. तो ट्रूथ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. सो चिल्ड्रन, राइट ट्रूथ इन द कॉलम अनकाउंटेबल नाउन्स. द थर्ड वन इज वाटर. कैन यू काउंट वाटर? वाटर को गिन सकते हैं? नो, वाटर को हम नहीं गिन सकते. हम ग्लास ऑफ वाटर को गिन सकते हैं. से आई ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग, आई ड्रैंक 1 ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर द लंच. सो वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट काउंट वाटर, राइट? वी कैन काउंट वाटर बॉटल्स,
I have two water bottles at my home, that you can count, but you cannot count water. Because we measure water, हम water को measure करते हैं, नापते हैं, right? That I have 1 liter of water remaining in my water bottle, I have 2 liters of water, there is a tank of 500 liters of water in my terrace, right? So we can only measure water, we cannot count water. So water will also be an uncountable noun. The fourth one is cities. Can you count cities? शहरों को आप count कर सकते हो? Yes. तो cities will be countable noun. Fifth one is sugar. So can you count sugar? No. You cannot count sugar. You can measure sugar. हम sugar को measure कर सकते हैं. Like 2 kgs of sugar. Mama has brought 5 kgs of sugar from the shop. राइट और अगर हम काउंट कर सकते हैं शुगर को, जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं शुगर के, वो हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको शुगर नहीं बोलते बेटा, हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. राइट, सो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर आप उन दानों को अगर आप गिनेंगे, काउंट करेंगे शुगर को, तो आप शुगर को नहीं काउंट कर रहे हैं, आप क्रिस्टल्स को काउंट कर रहे हैं. सो यू आर काउंटिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. देयर आर 2 crystals of sugar, there are 10 crystals of sugar in my hand. So यहाँ पर crystals of sugar नहीं दिया है बेटा, यहाँ पर सिर्फ sugar दिया है. तो sugar is always an uncountable noun. यानी हम sugar को count नहीं कर सकते हैं, measure करते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक. और हम crystals of sugar को count कर सकते हैं, but इधर crystal नहीं दिया है, इसलिए sugar दिया है सिर्फ. तो sugar is an uncountable noun. Girl, so I already gave you an example in of girl earlier. So girls will be, girl will be an countable noun. Wood, so can we count wood? No, we cannot count wood. Wood is an uncountable noun. Beta, hum wood ko count nahi kar sakte, but hum logs of wood ko count kar sakte hain. Logs means jaise trunk hote hain na, logs yani ped jab hum kaatte hain, तो उसमें से जो लकड़ी निकलती है लंबी सी, उसको हम लॉग कहते हैं. तो लॉग ऑफ वुड को हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे लॉग्स ऑफ वुड तो दिया नहीं है, सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. द 8th वन इज़ स्टोरी. तो कैन वी काउंट स्टोरीज? यस, वी कैन काउंट स्टोरीज. फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट आई हर्ड 2 stories बिफोर गोइंग टू स्लीप फ्रॉम माय नानी. Correct. So story is a countable noun. Tick, story is a countable noun, beta. The next one is stone, patthar. Can you count stones? Yes, it is a countable noun. Books you also count. For example, I have brought 5 books today in the school. So you can count books. I have 3 story books at my home. So you can count books. So books is a countable noun. Beauty means sundarta. Sundarta ko count kar sakte hain? Nahi. So beauty is an uncountable noun. Similarly, laughter is also an uncountable noun. Kya hum hansi ko count kar sakte hain? Nahi. टी को भी काउंट नहीं कर सकते बेटा. हम टी लीव्स को काउंट कर सकते हैं, बट टी को नहीं काउंट कर सकते. सो टी विल बी एन अनकाउंटेबल नाउंस. हैन को काउंट कर सकते हैं, ठीक. देर आर 10 hens विद द फार्मर, ठीक. सो हैंस को काउंट कर सकते हैं, सो काउंटेबल नाउन में लिख लीजिए बेटा. शीप को काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट शीप. सो यू हैव टू राइट शीप अंडर द हेडिंग काउंटेबल नाउंस. जूस को काउंट नहीं कर सकते. वी कैनॉट काउंट जूस, बिकॉज जूस और वाटर सिमिलर ही है बेटा. जूस भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है, मिल्क को भी नहीं काउंट कर सकते. सो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि आई ड्रैंक 2 glasses ऑफ जूसेस इन द इवनिंग, या आई ड्रैंक 1 glass ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग. सो जूसेस को भी बेटा अनकाउंटेबल नाउन है. हम जूस को मेजर कर सकते हैं. देर इज़ 1 liter ऑफ जूस इन माई ग्लास,
है ना, इस तरह. या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज अ कार्टन ऑफ जूस एट माई शॉप, कुछ भी बोल सकते हैं. बट हम जूस को काउंट नहीं कर सकते इंडिविजुअली. वी कैन काउंट बॉक्सेस ऑफ जूसेस, बॉटल्स ऑफ जूसेस, ग्लासेस ऑफ जूसेस. बट ऐसा कुछ नहीं दिया है, ग्लास, बॉटल, बॉक्सेस कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, सिर्फ जूस दिया है. सो हम सिर्फ जूस को कंसिडर करेंगे और जूस अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम जूस को मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी सिमिलर टू वाटर एंड मिल्क. सो चिल्ड्रेन काइंडली राइट डाउन these. I have also written these answers in the following table. So children, let's move to the next topic, that is grammarly articles. We are going to learn about articles. Children, you must have learnt articles in class 2 and class 1, right? So what is the basic concept in writing articles? Articles, what are the kinds of articles, children? First you think what you have learnt in class 2 and class 1. Beta, articles kya hote hain? Articles three kinds ke hote hain, right? There are three articles. What are those? A, an, and the. Dekhiye yahan pe likha bhi hua hai book mein, a, and the are called articles, right? So articles कौन कौन से हैं? A है, an है, and the है. So we have to now think where we can put a, where we can put an, and where we can put the. So children, you must have studied in class 2 about vowels, right? आपने vowels के बारे में पढ़ा है. What are those vowels? Vowels are A, E, I, O, U. Correct? So children, जब भी vowels आते हैं, so we have to write an before every vowels. If the word, अगर कोई word is starting from a vowel alphabet, so we have to write an before that word. Correct? And where we can use the, children, dekhiye, let's read out the lines which is given in your book. Let us know more about the use of the. The is used before both singular and plural common nouns and before the names of rivers, mountains, and mountain ranges, famous buildings, things which are one of a kind. For example, the Ganga, the Himalayas, the sun, etc. Children, आपको समझ में आ गया है कि an कहाँ use करेंगे, right? An is used before vowels. अब the कहाँ use करेंगे? बेटा, the singular में भी use कर सकते हैं और plural nouns में भी use कर सकते हैं. और प्लूरल कॉमन नाउंस में तो हमेशा यूज़ करेंगे. अगर कोई भी वर्ड प्लूरल में दिया है तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे. वाई? बिकॉज ए एंड एन मीन्स वन. मैंने आपको पहले भी बताया था, अ मीन्स वन, एन मीन्स वन. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है. सो अ मीन्स वन, an means one. I ate an apple in the morning, so ek apple khaya. So an is also means one. But jab plural nouns hoga, theek hai, yani plural common nouns diye honge aapke sentences mein, to hum uske pehle a aur an nahi laga sakte. Why? Plural matlab hota hai more than one. Maine aapko pehle hi grammar mein samjhaya hai, padhaya hai singular nouns and plural nouns, right? आपको पता है कि प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं. सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सो जब मोर देन वन है तब तो अ और एन तो लग ही नहीं सकता, बिकॉज अ एंड एन मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन. तो ए और एन तो प्लूरल नाउंस के साथ कभी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? द लगेगा, राइट? सो द कहाँ लगेगा? प्लूरल कॉमन नाउंस के साथ. और कहाँ दा लगेगा? बेटा, दा वहाँ लगता है जहाँ
पे कोई चीज़ यूनिक हो, यूनिक मीन्स वन ऑफ अ काइंड, यानी एक ही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, ताजमहल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है, ओनली वन, वन ऑफ इट्स काइंड एंड यूनिक है. सो हम क्या बोलते हैं, द ताजमहल, राइट. इसी तरह द गंगा, द यमुना, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिवर है पूरे वर्ल्ड में, एक है, यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड. तो जो चीज़ सिर्फ वन होती है तो हम उसके आगे द लगाते हैं. द हिमालयस, द सन, सिर्फ एक ही सन है ना, द अर्थ, एक ही अर्थ है, राइट. द जुपिटर, एक ही जुपिटर है, आपने पढ़ा होगा ईवीएस में प्लैनेट्स, राइट. सो जो चीज़ ओनली वन होती है पूरे वर्ल्ड में तो उसे हम, उसके पहले हम द लगाते हैं, ठीक. चलो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ए, एन और द. सो आई वुड लाइक टू ईट एन एग. एग है बेटा, ई इज अ बॉल, वाल है ई, सो एन लगेगा, राइट. एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट. अब बेटा बनाना के आगे अ क्यों लगाए, बिकॉज बनाना सिंगुलर में दिया है, सिंगुलर मीन्स वन, और वन के पहले अ लगाते हैं. बनाना के पहले द क्यों नहीं लगा बेटा, क्योंकि बनाना तो बहुत सारे होते हैं, बनाना इज़ नॉट अ यूनिक, है ना, दैट इज़ देयरफॉर वी रोट अ बिफोर बनाना. नंबर टू, द मून. बेटा मून वन ऑफ इट्स काइंड है, यूनिक है, राइट, इसीलिए हमने द लगाया है मून के पहले. द मून इज़ हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स. बेटा अब क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स है प्लूरल, सो हमेशा प्लूरल वर्ड्स के साथ द लगता है. नंबर थ्री, डैश एप्पल. एप्पल स्टार्ट्स विद ए, सो ए इज़ अ वाल, देयरफॉर वी आर गोइंग टू राइट एन. एंड ऑल्सो एप्पल इज़ इन सिंगुलर फॉर्म. अगर प्लूरल होता एप्पल्स, एप्पल्स होते तब हम एन नहीं लगा पाते बेटा, तब हम द लगाते, बिकॉज प्लूरल नाउन्स के साथ द लगता है. सो देर इज़ ओनली वन एप्पल, क्योंकि सिंगुलर दिया हुआ है, नो एस इज रिटन इन एप्पल्स, सो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक. नंबर फोर्थ, इज समवन एट द डोर. अब बेटा द देखिए, अब इसमें डोर के पहले द क्यों लगा है, क्योंकि डोर क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज़ किया है, कोई भी डोर नहीं, एनी डोर नहीं, इज समवन एट द डोर, यानी यू आर मेंशनिंग दैट डोर, कि आप देखो उस डोर के बिहाइंड कोई है क्या, कोई डोर पे आया है क्या. सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डोर हो गया, इसीलिए डोर के पहले द लगा है. द वहाँ भी लगता है बेटा जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मेंशन करें, यानी जिसके बारे में हम मेंशन कर चुके हैं पहले, तो भी द लगता है, राइट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, येस्टडे आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी स्मार्ट. सो देखिए पहले सेंटेंस में अ बॉय लगा और दूसरे सेंटेंस में द लगा. वाई, बिकॉज येस्टडे आई मेट अ बॉय, मैं कल एक लड़के से मिली, लेकिन उस लड़के, वो लड़का तब तक मेरे लिए अनजान था, एज अ स्ट्रेंजर था, इसलिए मैंने अ लगाया, अ बॉय. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में मैंने यूज़ किया द बॉय वॉज वेरी स्मार्ट, यहाँ पे मैंने बॉय के पहले द यूज़ किया. क्यों? क्योंकि मैं उसी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मैं कल मिली थी, कोई भी बॉय नहीं है, एनी बॉय नहीं है, ये वही बॉय है जिससे मैं कल मिली थी, वही बॉय स्मार्ट है. तो जब हम दूसरी बार किसी नाउन का मेंशन करते हैं जो पर्टिकुलर हो जाता है, ठीक है, जो जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द. इसी तरह यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस में इज समवन एट द डोर, यानी वो डोर को हम जानते हैं, वो कोई भी डोर नहीं है. हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई भी डोर के पीछे देखिए कौन आया है, नहीं, वो हम पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं कि दैट डोर, इज समवन एट दैट डोर, क्या उस डोर के पीछे कोई आया है, तो इसीलिए हमने द लगाया है, राइट. मूविंग टू द फिफ्थ वन,
द सन राइजेज इन द ईस्ट. सो बेटा सन भी यूनिक है और ईस्ट, ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन, आपने पढ़ा है EBS में. सो ईस्ट भी यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है, इसलिए दोनों के पहले द लगाए. नंबर सिक्स, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल. सो पेंसिल के पहले बेटा अ इसलिए लगा है क्योंकि कोई भी पेंसिल दे दो, आई एम नॉट मैंशनिंग कि मुझे ब्लैक वाली पेंसिल चाहिए या रेड वाली पेंसिल चाहिए या मुझे वही पेंसिल चाहिए जिससे मैंने कल लिखा था, नहीं ना. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, तो आप ये नहीं रिक्वेस्ट करते कि मुझे रेड वाली पेंसिल चाहिए या मुझे वही पेंसिल चाहिए जो मेरी कल मैंने यूज़ की थी, नहीं. सो प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, अ मीन्स एनी, कोई भी पेंसिल. अ पेन, कोई भी पेन दे दो, पर्टिकुलर पेन नहीं है बेटा. एन इरेजर, इरेजर के पहले एन लगा है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ वाल, ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगा है. एंड अ रूलर फ्रॉम द मार्केट, रूलर मीन्स स्केल. सो कोई भी पेंसिल, कोई भी पेन एंड एनी इरेजर, एनी रूलर यू कैन गेट मी फ्रॉम द मार्केट, इसीलिए इन सब के पहले अ और एन लगा है. अ और एन मतलब भी क्या होता है, एनी यानी कोई भी दे दो, नॉट पर्टिकुलर. और द मीन्स होता है पर्टिकुलर, जिसके बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं, राइट. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं आर्टिकल्स. अ कहाँ लगेगा, अ लगेगा बेटा सिंगुलर नाउन्स में, और जो पर्टिकुलर नहीं हो दैट मीन्स एनी, एनी नाउन, क्लियर. द कहाँ लगेगा, द लगेगा प्लूरल नाउन्स में, प्लूरल नाउन्स में द लगेगा, यूनिक चीज़ों में लगेगा, वन ऑफ अ काइंड में लगेगा, एंड पर्टिकुलर चीज़ें में लगेगा, जिसमें पर्टिकुलर थिंग्स में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं, ठीक. एंड कहाँ लगेगा, एंड आपको पता है बेटा वाल्स के पहले लगता है, राइट. सो चिल्ड्रेन काइंडली कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके. सो वी आर गोइंग टू डू दिस पंक्चुएशन एक्सरसाइज. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू बेटा इन ग्रामर इन अर्लियर चैप्टर्स दैट where to put question marks, where to put commas, exclamation marks, apostrophe, etc. Right? So let's do this exercise. Punctuate the following sentences using capital letters, full stops, question marks, commas, exclamation marks, apostrophe, etc. wherever necessary. ठीक, हमें इन sentences में पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा एंड एपोस्ट्रफी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेंगे. सो द फर्स्ट वन इज, व्हाई आंट यू ईटिंग द वेजिटेबल्स ऑन योर प्लेट. सो चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सेंटेंसेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. मैं आपको बार बार बताती हूँ, बार बार एक्सप्लेन करती हूँ दैट द फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ऑफ the starting of the sentence should always be in capital letter, right? So सबसे पहले बच्चा लोग, आप लोग सब capital में कर दीजिए first letter as I have done in this exercise. Then we are going to move forward. So the first one is, why aren't you eating the vegetables on your plate? Children, this is a question. हम question पूछ रहे हैं कि आप वेजिटेबल्स क्यों नहीं खा रहे हैं जो आपकी प्लेट में हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. एंड आंट, आंट मीन्स, आंट का फुल फॉर्म होगा बेटा आर नॉट. जब हम किसी बड़े वर्ड्स को यानी दो शब्दों को शॉर्ट में लिखते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो उसको हम अपोस्ट्रफी लगा देते हैं, राइट. जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, हंटर्स नेट बोला था मैंने, हंटर्स नेट यानी हंटर की नेट, हंटर्स यानी हंटर, HUNTER, आर के बाद ऊपर लगा था अपोस्ट्रफी एंड उसके बाद लगा था एस, तो हंटर्स नेट, तो वहाँ पे भी अपोस्ट्रफी लगा था, हंटर की नेट, द नेट ऑफ अ हंटर. इसीलिए बेटा जब हम किसी शब्द को, वर्ड को, दो शब्दों को कंट्रैक्ट करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रफी. सो यहाँ पे भी आंट यानी आंट मीन्स आर नॉट,
why are not you eating the vegetables on your plate? So are not को हमने short कर दिया और not को हमने ऊपर n के बाद apostrophe लगा दी. So this word becomes aren't, right? Number second, my parents got me a train set, pencil box, a school bag and a toy car for my birthday. So children, when many options are given in the sentence, जब बहुत सारे options आपको दिए रहते हैं sentence में, so you use comma in those sentences, right? So सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, M को capital करेंगे because it is the first alphabet of the sentence. And हम ये simple sentence है, ये question नहीं है, ये exclamatory sentence नहीं है, तो हम simple full stop at the end of the sentence लगा देंगे birthday के बाद full stop. ठीक, फिर उसके बाद my parents got me a train set, a pencil box. So बहुत सारे options दिए हैं बेटा, तो train set के बाद comma, a pencil box के बाद comma लगाएंगे, a school bag and a toy car. बेटा टॉय कार के पहले कॉमा नहीं लगाया बिकॉज इट इज़ द लास्ट ऑप्शन एंड इसके बाद इसके पहले हमने एंड लगाया है, राइट? सो आप लोग कर लीजिए बुक में एक्सरसाइज. द नंबर थर्ड इज द बॉयज शू लेस इजंट टाइट. सो बॉय की शू लेस टाइट नहीं है, राइट? सो सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल, दैट इज टी विल बी कैपिटल. बॉयज, अब बॉयज यानी बॉय की शूलेस, ठीक है, बॉय का शूलेस यानी द शूलेस ऑफ अ बॉय. ठीक, तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं द शूलेस ऑफ अ बॉय, दैट मींस बॉयज शूलेस. सो इसमें भी हम अपोस्ट्रफी लगाएंगे यानी बॉय का शूलेस. सो आफ्टर वाई पुट अपोस्ट्रफी एंड बिफोर एस पुट अपोस्ट्रफी. The boy's shoelace isn't tight. So isn't का full form होगा बेटा is not, right? So is not का हमने short करके contract करके isn't कर दिया. ठीक, तो n के बाद आप apostrophe लगा लीजिए. And tight, tight it is a simple sentence, no question. So we are going to put full stop after tight. Number fourth, congratulations, you have won a competition. So children, first of all, this sentence is an exclamatory sentence. Why? Because exclamatory sentence मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, kinds of sentences मैं आपको grammar में पढ़ा चुकी हूँ बेटा कि exclamatory sentence क्या होते हैं, question sentence क्या होते हैं, interrogative sentence क्या होते हैं, declarative sentence क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको grammar में पढ़ा चुका है previous chapter में. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं बेटा जहाँ पे हम फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, यानी हम वी शो फीलिंग्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स, यू हैव वन द कॉम्पिटिशन. सो देखिए ये फीलिंग्स है, ये बहुत खुशी वाली फीलिंग्स है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स है, एंड वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी आर गोइंग टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगाते हैं, वी पुट अ डैश एंड अ फुल स्टॉप. सो दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द कॉम्पिटिशन. इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर शोइंग इमोशंस, वी आर शोइंग फीलिंग्स. सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद कॉमा लगाइए क्योंकि हम पॉज, कॉमा क्या होता है बेटा, कॉमा तब हम लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या फिर जहाँ पे हम पॉज, टू सेकेंड्स का पॉज लेते हैं. ठीक, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पॉज लिया एंड यू हैव वन द कॉम्पिटिशन. नंबर फिफ्थ वन इज वेयर इज़ योर हाउस. सो अब पूछ रहे हैं, दिस इज़ अ क्वेश्चन. सो वेयर इज़ योर हाउस, तो पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर हाउस एंड डब्ल्यू विल बी कैपिटल बिकॉज इट इज़ द starting alphabet of the beginning of the sentence. Number sixth, the Charminar is located in Hyderabad, Andhra Pradesh, right? So the first letter or the alphabet, the T will be in capital letters because it is the beginning of the sentence. And Charminar, beta, Charminar is a proper noun. Check Charminar, Hyderabad, Andhra Pradesh,
These are all proper nouns. और आपको मैंने proper nouns के बारे में पहले grammar में पढ़ा चुकी हूँ. और जो बच्चे भूल गए हैं बेटा, वो दोबारा से videos में जाएं मेरी link पे. YouTube links में बहुत सारे videos मैंने already डाल चुकी हूँ मैं पहले के chapters के, तो आप उसमें जाइए, proper nouns और common nouns को पढ़ लीजिए. सो जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं बेटा, हम उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. चार मीनार इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, हैदराबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन, एंड आंध्र प्रदेश इज़ अ प्रॉपर नाउन. देयरफॉर ईच अल्फाबेट ऑफ दीज वर्ड्स विल बी इन कैपिटल लेटर्स. नंबर 7, वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. सो बेटा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. वाई? बिकॉज इट शोज सम काइंड ऑफ फीलिंग्स, सरप्राइज फीलिंग्स. इसमें वाओ, वाओ कब यूज़ करते हैं? जब सरप्राइज होते हैं हम, राइट? सो वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. अब दैट्स, दैट्स में देखिए दैट्स का फुल फॉर्म होगा दैट इज़, तो हमने दैट इज़ को शॉर्ट में लिखा है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ अपोस्ट्रफी. सो दैट यानी एस के पहले अपोस्ट्रफी लगाइए, ग्रेट न्यूज़, न्यूज़ के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाइए, बिकॉज ये फीलिंग्स शो कर रहा है, सरप्राइज की फीलिंग शो कर रहा है. सो जिस भी सेंटेंस में फीलिंग्स शो होती हैं तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं. नंबर 8, व्हेन विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. सो इट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, आप प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करोगे? सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ व्हेन विल बी इन कैपिटल बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो चिल्ड्रेन, आई होप you understood what I tried to teach you. And children, if you have any doubts at any point, kindly ask me as many queries you want to. I am here to explain you and to make you understand and to have a clarity in grammar portion and literature as well. So children, don't worry, I will send the pictures also in the WhatsApp group, so you can copy it down. In this video, you have to only listen carefully, right? So, if you haven't understood, you can again watch this video again and again. You can understand. And children, kindly complete this exercise in book itself. Do not, you don't have to write it in copy. You have to do it in book only. So, children, this much is for today. I hope you understood what I tried to teach you. And thank you so much for listening it carefully. And here we end this video. And thank you so much. Be safe and be at home. Thank you.